तो दोस्तों, क्या आप एक यूट्यूबर हैं और आप NCS के साउंड्स को अपने वीडियो एडिटिंग में यूज़ में लेते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो NCS दोस्तों, NCS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सारे सॉन्ग्स को और सारे जितने भी म्यूजिक ट्रैक्स हैं आप अपने वीडियो में लीगली यूज़ कर सकते हैं। पर इसके पीछे उनकी कुछ टर्म एंड पॉलिसीज हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है अपने वीडियोज़ में। तो दोस्तों, क्या है उनकी टर्म एंड पॉलिसीज और आप किस तरह से उनके वीडियोस को, उनके ट्रैक्स को अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी वॉयलेंट के, बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के? तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप नो कॉपीराइट साउंड्स को यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के और बिना किसी टर्म एंड कंडीशन को वॉयलेंट किए बिना। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप ही के लिए है, तो देखते रहिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशाल एंड टेक्निक्स। तो आज अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, बगल में बेल आइकन आएगी उसे जरूर दबा लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और दोस्तों में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, NCS के साउंड को अपने वीडियोस में किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको बिना किसी कॉपीराइट को वायलेट किए बिना, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले दोस्तों, चलना है आपको YouTube पर। YouTube पे हमें सर्च कर लेनी है NCS। तो NCS को किसी भी साउंड को अगर हम मान लीजिए कि यूज करना चाहते हैं अपने साउंड में, तो सबसे पहले तो हमें उस ट्रैक को डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी। तो NCS को हमने सर्च कर लिया है। NCS को सर्च करने के बाद मान लीजिए कि हमें फर्स्ट वाली जो भी है, आप पहले कोई भी इसकी साउंड को यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस में। करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं YouTube, जो भी ऑडियो डाउनलोड, जो भी एक थर्ड पार्टी साइट्स हैं उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं YouTube से जो भी वीडियोस से ऑडियोस को कन्वर्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर MP3 मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे जो है डाउनलोड मैंने कर लिया है ये जो ट्रैक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और इस साउंड को आप अपने वीडियोस में आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हम सो मोर करते हैं, यहाँ पे आ जाती है हमें बहुत सारे ऑप्शंस, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलती है, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ इसे, अब थोड़ा प्रॉपर तरीके से देख लें उसे। ये जो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है यहाँ पे वो तरीका ये है कि व्हेन यू आर यूजिंग द ट्रैक वी सिंपली आस्क दैट यू पुट दिस इन योर डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, हमें सिंपल तरीका करना क्या है कि हमें इस जो भी चार एरो है उसे हमें कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमें कहाँ पेस्ट करना है दोस्तों, चलते हैं मेरे चैनल पे और मैं दिखा दे रहा हूँ। किसी भी वीडियो में आप अगर उसे यूज करते हैं तो यूज करने के बाद आप किस तरह से उसे लीगली अपना वीडियोस में कर सकते हैं, अपने जो भी वीडियो है आप अपने तरीकों से आप उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियोज़ में। तो दोस्तों, हम अपने पैन पेज को खोल लिया है और इसके एडिट ऑप्शन में, किसी भी वीडियोस के एडिट ऑप्शन में जाना है आपको। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद देखिए दोस्तों, जिस तरह से पेज खुल गई है, पेज खुलने के बाद डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में बस उसकी जो भी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जो भी ऑनर का नेम है जिस साइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं, और उसका डाउनलोड जो लिंक है, जो जिसने हमने अभी जो कॉपी किया है उसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बस उसे छोड़ देना है और उसे सेव करके निकल जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रॉपर तरीका है उस NCS के साउंड को यूज़ करने का अपने वीडियोज़ में। उसके डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन में उसके जो भी लिंक है, जो भी उसके ऑनर हैं, उसका सही नाम और सही लिंक देकर आप उस वीडियो के साउंड को अपने बैकग्राउंड साउंड या किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में, पूरा या आधा भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था सही तरीका अपने वीडियोस में यूज करने का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये था सही तरीका आप अपने किस तरह से अपने NCS के साउंड को, नो कॉपीराइट साउंड्स को अपने वीडियोस में अप्लाई कर सकते हैं, एज ए वीडियो रिकॉर्डर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से बैकग्राउंड में आप उसको अपने यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक और किसी भी टर्म एंड कंडीशन को वायलेट किए बिना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं था विशाल और आप देख रहे थे विशाल एंड टेक्निक्स। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।